बुलंदशहर में नरेश उर्फ रिंकू हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पिता के अपमान का बदला लेने के लिए चचेरे भाइयों ने की थी रिंकू की हत्या। मृतक ने अपने चाचा को हत्यारोपियों के पिता का जड़ा था थप्पड़। थप्पड़ लगने के बाद से अदावत की आग में जल रहा था हत्यारोपियों का पिता। पिता के कहने पर नीरज व अर्जुन ने तीसरे भाई के साथ मिलकर की थी वारदात। सिरवा चेहरे पर नुकीले हथियार से वार कर की थी हत्या। खेत में फेंक दिया गया था शव। पुलिस ने नीरज व अर्जुन को आला कत्ल व तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। ये दिनांक 13 दिसंबर 2023 को हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति का शव बिनौरा शेख के जंगलों में पड़ा हुआ है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची थी और उस मृतक की पहचान नरेश पुत्र महेंद्र सिंह के रूप में हुई थी। इस हत्या के लिए महेंद्र सिंह द्वारा हमें नामजद तहरीर दी गई थी अपने सगे भाई और उनके 3 लड़कों के खिलाफ। जब तहरीर प्राप्त होने के और मुकदमा पंजीकृत होने के बाद लगातार पुलिस के द्वारा दबिश दी जा रही थी और कल हमारे द्वारा 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। एक का नाम नीरज उर्फ भीम है और दूसरे का नाम अर्जुन, और ये दोनों ही व्यक्ति वीरपाल के पुत्र हैं जो कि मृतक के सगे चाचा थे। इसके अंदर अन्य जो नामजद हैं वो वीरपाल हैं और एक और व्यक्ति हैं अमित जो इस समय फरार चल रहे हैं। इन दोनों से जब पूछताछ हुई तो इन लोगों ने ये बताया कि जो मृतक नरेश था उसका भी अच्छा खासा आपराधिक इतिहास था जिसमें 2 मर्डर के मुकदमे भी शामिल हैं और ये अत्यधिक शराब का सेवन करके अपने लोगों के साथ मारपीट करते थे, झगड़ा करते थे और इन्होंने वीरपाल के साथ अभद्रता करी थी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।